नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, यहां जो आप देख रहे हो ये मैंने एक बेस बनाए हैं, इसी पर मैं आज आपसे एक गमला बनाकर शेयर करने वाली हूं। तो बेस मैंने बना के रखी है और एक पॉट ये है जिसमें मैंने तेल लगाए हुए हैं जो आपको दिख ही रहे होंगे। साथ ही यहाँ कुछ पत्थर के टुकड़े रखे हुए हैं, उनको जोड़ने हैं। और यहाँ पर जो मसाला मैंने तैयार की है, मसाला इसको बोलते हैं दोस्तों, तो इसमें आप जो देख रहे हो बालू है, जो कंस्ट्रक्शन वाली सैंड होती है वो है, और सीमेंट है, दोनों बराबर बराबर मात्रा में इसमें डाले हुए हैं। इस पर थोड़ा सा पानी छिड़काव करके इसको पहले एक बेस बना करके मैंने रखी थी, इसलिए कि बेस अगर मजबूत होनी चाहिए, अब ऊपर से सीमेंट भरेंगे तो ये और भी मजबूत हो जाएंगे। अब ये सूखी हुई सीमेंट को इसमें हल्की हल्की छिड़क देनी है। सीमेंट जो घोली हुई है उसको यहाँ अब इसको लेते हैं और इसको बीचों बीच में यहाँ डाल देते हैं। अब यहाँ पर किनारे आप इसमें जो सीमेंट का मसाला बना हुआ है उसको इसमें डाल दें। अब यहाँ आप जो पत्थर के टुकड़े देख रहे हो इसी को यहाँ मैं बैठाते चली जाऊंगी। तो आप इस तरह से देख रहे होंगे, मैंने जो गिट्टी के टुकड़े यानी पत्थर के टुकड़े थे इसको मैंने इसमें लगा दिए हैं। अब इसमें दूसरी लेयर मैं डालने वाली हूँ, उसके लिए थोड़े से और सीमेंट पले डालने होंगे। अब इसमें दूसरी लेयर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा दबाते हुए आपको डालने हैं। अब इसको दोस्तों इसमें से धीरे से निकालते हैं। निकालने के बाद एक इस तरह का आया। अब इसको थोड़े से आप अच्छे ढंग से इसको सेट कर लीजिए। अब एक पुराने कोई कपड़े से इसको धीरे से, अरे हिल भी गया ये, खैर कोई बात नहीं, अभी तो हिलेगा ही, अभी तो ये
इसको धीरे से आप चिकना कर सकते हैं। साथ ही ड्रेनेज होल को, इस पर पड़े हुए वाले को मैं निकाल देती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से बनाने के बाद अब इसको 24 घंटा या 36 घंटा के लिए इसको रख देंगे। फिर जब मैं इसको अपडेट करवाऊंगी आपसे, तब आप इसको देखेंगे। अभी थोड़ी सी फिनिशिंग और इधर मुझे करनी होगी। ये वाला को लगता है मुझे रिमूव भी करना पड़ सकता है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, सेट नहीं कर पा रहा है यहाँ। खैर, इस तरह से अभी देखते हैं। तो इसी के साथ मैं आज चलूँगी, आप लोगों से विदा लूँगी, फिर अगली वीडियो में आपसे मिलूँगी और इसका अपडेट भी मैं आपसे शेयर करूँगी। आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।